सभी को क्लाइमेट एशिया एशिया में क्लाइमेट की परिस्थिति को मजबूत करने के लिए काम करता है और हम कई सारी संगठनों और संस्थाओं के साथ काम करते हैं जो क्लाइमेट को सामाजिक अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के नज़रिए से देखते हैं और हम उन्हीं को और कैसे मजबूत कर सकते हैं, उन पे और क्या काम कर सकते हैं ताकि वो अपना काम समाज और पर्यावरण के लिए और अच्छे से कर पाएं, इसी पे क्लाइमेट एशिया निरंतर प्रयास कर रहा है। और उसी के संबंध में आज हम जमुना जी के साथ बातचीत कर रहे हैं। जमुना जी उड़ीसा से हैं और इनका विवाह झारखंड में हुआ है। जमुना जी ने बहुत बढ़िया काम किया है, 50 हेक्टेयर की जमीन को जंगल में परिवर्तित किया है। कई सारी महिलाएं, शुरुआत हुई थी 5 महिलाओं से और 10,000 महिलाओं को एकत्रित करके एक संगठन बनाया है ताकि वो वन की सुरक्षा पे काम करें और इनके इस काम को सराहा गया है कई स्तर पे, पहले राज्य स्तर पे और अब राष्ट्रीय स्तर पे भी। तो 2014 में जमुना जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और जिससे हम जैसे लोगों को बहुत प्रोत्साहन मिला कि हम इस पे और कैसे काम करें। और आज हमारे साथ जमुना जी हैं, स्वागत है आपका जमुना जी। तो जमुना जी, आप उड़ीसा के जंगलों में पैदा हुई और जैसा कि आपने बताया, आप अपने पिताजी के साथ बीज लगाने जाती थी, तो ऐसी ही बचपन की कोई स्मृति हमारे साथ साझा करेंगी जिसने आपको प्रेरित किया कि आपको वन संरक्षण में काम करना है। नमस्ते, जोहार, मैं जमुना टुडू, मैं उड़ीसा की लड़की हूँ, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, रायरंगपुर विधानसभा। और आज का जो हमारा जो देश का महामहिम राष्ट्रपति महोदय दीदी का ब्लॉक से हूँ, क्षेत्र से हूँ। और मेरा जो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट तो बहुत बड़ा है, लेकिन मेरा जो पिताजी का जहाँ गांव है जामदा ब्लॉक रंगामटिया, उस क्षेत्र में पेड़ पौधा का बहुत कमी था। और जब मैं छोटी थी, 7-8 क्लास में जब मैं पढ़ती थी ना, तो तभी से मैं पौधा लगाने का काम करती थी। पापा का साथ में मैंने कई सारा पौधा लगाए हैं। तो बस वहाँ पर जो पौधा लगाए हैं वही चीज मेरा दिल में, मेरा मन में भटकती रहती है। जो भाई मेरा गांव में पौधा नहीं है, मेरा खेत में पौधा नहीं है, और आज का दिन में पूरा हरियाली बना हुआ है। मेरा पापा का जो जंगल को देख के दूसरे लोगों ने भी उस एरिया में पौधा लगा रहे हैं हरियाली बनाने के लिए। और बस उसी को ही देख के मेरा जो ससुराल गांव में आके चकुलिया ब्लॉक उत्तरखाम गांव टोला बेड़ाड़ी से मैंने जंगल को सुरक्षा करने का काम शुरू किया। उजाड़ा हुआ जंगल को मैंने काम करने का शुरू किया और मुझे जंगल को बचाने का मतलब बहुत इच्छा है। पेड़ पौधा को लगाने का, बचाने का मेरा बहुत इच्छा है। थैंक यू जमुना जी। तो आपने वन संरक्षण के लिए, जैसा आपने बताया कि 5 महिलाओं के साथ शुरू किया, फिर 10,000 और भी महिलाएं आपके साथ जुड़ती गई इस मुहिम में, और आपने ऐसे ही बहुत सारी खाली जमीनों को पेड़ से भरा और उसकी सुरक्षा के लिए काम करना शुरू किया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये तो गांव के स्तर पे हुआ, अगर हम इसी चीज को थोड़े बड़े चित्र में राष्ट्रीय स्तर पर या फिर राज्य के स्तर पर देखें, तो आप क्या समझती हैं कि क्या कर सकते हैं इस मतलब वन सुरक्षा के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए, इतने बड़े लेवल पे हम क्या क्या कर सकते हैं, या लोग अपने स्तर पे क्या कदम उठा सकते हैं ताकि हम पूरे राष्ट्रीय स्तर पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें।
देखिए सब तभी होगा जब छोटा से बड़ा होगा। आज मैंने अपना गांव में शुरू किए थे, अपना गांव का जंगल को सुरक्षा करने के लिए शुरू किए थे, और पूरा पूर्वी सिंहभूम जिला में मैंने वन को सुरक्षा करने के लिए गांव-गांव में लोगों को जाके जागृत करने का काम किए। कम से कम 500 से अधिक गांव में जाके मैंने जंगल को सुरक्षा करने के लिए लोगों को जागृत किए। और आज मैंने झारखंड से भी बाहर में जाके मैं लोगों को जागृत कर रही हूँ जंगल के बारे में, पेड़ पौधा के बारे में, पर्यावरण का महत्व के बारे में मैं लोगों को जागृत करने का काम कर रही हूँ। तो देखिए आज तो मैं काम कर रही हूँ, लेकिन अकेले में नहीं होगा, उसमें आपको भी काम करना होगा, उसको भी काम करना होगा, उसको भी काम करना होगा, तो भी जाके हम लोग गांव से लेकर पूरा राज्य से लेकर पूरा भारत कामदार में हम लोग राष्ट्रीय लेवल तक को हम लोग काम कर सकते हैं। अकेले में नहीं होगा, सबको जागना होगा। जब तक आप और हम और भी लोग नहीं जागेंगे, तब तक मतलब बचाना, पर्यावरण को बचाना, जंगल को बचाना समस्या रहेगी। उसका बाद जैसे कि हम लोग गांव से, तो गांव के लोग हम लोग पेड़ पौधा का नीचे भी हम लोग पूजा करते हैं। हम लोग आदिवासी समाज हम लोग पेड़ पौधा हम लोग का देखता है, पेड़ पौधा को हम लोग पूजा करते हैं और हम लोग लगाने का और बचाने का काम करते हैं। तो हम अकेले में जितना हमसे हो रहा उतना हम कर रहे हैं, और आपका जितना हो रहा आप कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमारा देश का जो सरकार है, सरकार को भी इसमें ध्यान देना होगा। उनका जो विभाग है, वन विभाग है, वन विभाग को भी ध्यान देना होगा जो हम कैसे जंगल को बचाए। अगर आप हम बचाने का काम करेंगे और आप विकास का नाम पर अगर आप काटने का काम करेंगे तो जंगल बचेगा कैसे? जंगल नहीं बच पाएगा। हम जितना भी कोशिश करेंगे भी तो जंगल नहीं बचेगा। आप विकास कीजिए, मैं विकास का विरोधी नहीं हूं, लेकिन पेड़ काट के विकास नहीं होना चाहिए। मैं आपको बोल रही हूँ जो पेड़ काट के विकास नहीं होना चाहिए, लेकिन वो आपको सुनना होगा, आपको उसको ध्यान देना होगा, तो भी जाके हम लोग मतलब गांव से लेकर राष्ट्रीय लेवल तक मतलब बड़ा कर पाएंगे। पर्यावरण को बचाने के लिए, जंगल को बचाने के लिए हम लोग बड़ा कर पाएंगे। क्योंकि आपने देखे ये जो दो साल इतना बड़ा कोरोना आया, वो कोरोना कहाँ से आया? वो कोरोना भी आप और हम ही का ही देन है। क्योंकि आपने नहीं समझ रहे, हम नहीं समझ रहे, हम लोग पेड़ों को आंधा धुंधा काट रहे हैं, तो ये कोरोना भी उन्हीं का ही, पर्यावरण का ही देन है। तो जब तक आप और हम नहीं जागृत होंगे, तब तक हमारा राष्ट्रीय लेवल तो क्या मतलब हम लोग नीचे में ही चले जाएंगे। आज जो जंगल का जो जानवर, मेरा क्षेत्र में पहले जंगल में जानवर नहीं रहते थे, हाथी नहीं रहते थे। जब से मेरा जंगल हरियाली बना है ना, कम से कम 5-6 साल हो गया, मेरा क्षेत्र में मतलब प्राय दिन हाथी ठाकुर जो होता है, हाथी जो होता है, एलिफेंट जो होता है, मेरा क्षेत्र में रहते हैं। आप जंगल का अंदर में वो लोग रहते हैं, लेकिन जंगल का अंदर में पानी नहीं है। पानी वो लोगों को नहीं मिलने का कारण वो लोग गांव में आ रहे हैं, घर में आ रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। तो उस सबको भी हम लोग को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको भी हम लोग को पानी का सुविधा देना होगा। जंगल में उनके लिए खाने का पौधा लगाना होगा। अगर आप पौधा नहीं लगाइएगा, जंगल के अंदर में पानी नहीं मिलेगा बेचारा, तो लोग कहाँ जाएंगे? वो लोग भी गांव आएंगे, घर आएंगे और लोगों को नुकसान करेंगे। तो इसीलिए जितना भी इस पृथ्वी का अंदर में, इस धरती माता में जितना भी मतलब समस्या खड़ी हो रही है, उसका देन हम लोग का ही देन है। तो उसको हम लोग को समझना होगा भाई, कहाँ से समाधान होगा, कैसे समाधान होगा।
समाधान करने के लिए आपको चिंता करना होगा, हमको चिंता करना होगा, और हमारा साथ साथ ज्यादा सरकार को चिंता करना होगा, क्योंकि क्योंकि सरकार के पास में पावर है, मेरा पास में तो पावर नहीं, मेरा तो बस आवाज है, और जहां पर अगर जबरदस्ती आप काटेंगे तो मैं वहां पर हम लड़ जाऊंगी आपसे, आपसे लड़ाई करेंगे, आपसे झगड़ा करेंगे, आपसे मारपीट करेंगे, लेकिन सकेंगे तो नहीं ना, क्योंकि आपका पास में पावर है, आपका पास में हथियार है। तो इसलिए सरकार को इसको चिंता करना बहुत जरूरी होगा। हम कहीं भी विकास के विरोधी नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी जो विकास नहीं हो, विकास हो, लेकिन जहां पर पेड़ पौधा नहीं है उस जगह में आप विकास कीजिए, मैं आपका साथ में हूँ। अगर आप पेड़ कटिंग करके विकास करना चाहेंगे तो मैं लड़ने के लिए भी तैयार हूँ। हम हारे चाहे जीते वो हम नहीं देखेंगे, लेकिन लड़ेंगे जरूर। और जमुना जी, जो आपने बात की कि हमारे समाज में एक परंपरा है प्रकृति को पूजने का जी, तो आप कैसे देखती हैं कि जो अगली पीढ़ी आएगी उस उन तक ये परंपरा, मतलब वो लोग इसको मानेंगे कि नहीं, और माने उसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं कि हमारी अगली पीढ़ी भी प्रकृति को उतना ही सम्मान करे, पूजे, जितना हमारी पीढ़ियाँ हमारे से पहले वाली जो दादा दादी थी वो करती थी। देखिए आज तक को तो हम लोग मान के आ रहे हैं, हम लोग का भगवान तो वही पेड़ पौधा ही है, और हम लोग पहाड़ पर्वत पेड़ इसी को ही हम लोग भगवान मानते हैं, जिसको हम लोग मारा गुरु बोलते हैं वो अपने शिव ठाकुर बोलते हैं, जिसको हमने जहराय बोलते हैं वो अपने पार्वती माता कहते हैं। तो ये जो हम लोग का जो पहाड़ वो मरंगुरु जिसको बोलते हैं वही मेरा शिव है, और जो आपका पार्वती है वही मेरा जहराय है। तो हम लोग जैसे मेरा पूर्वजों ने मान के आते थे, हमारा जो जाहिर थान है, जाहिर थान में हम लोग पेड़ के नीचे में पूजा करते हैं, और आज भी हम लोग पूजा करते हैं, और मैं अगला पीढ़ी को भी वही बोलूंगी जो भाई आप भी अपना जो रीति रिवाज को मतलब लेके ही चलिए, और जिसको हम लोग भगवान मानते हैं उसको आप भी पूजा कीजिए। अभी तक तो हम लोग वही करके आ रहे हैं, लेकिन आगे भी वही होना चाहिए। और ये तो हो गई कि एक नागरिक के स्तर पे, जो एनजीओस के स्तर पे संस्थाएं जो हैं, जो एकदम जमीनी स्तर पे काम करती हैं पर्यावरण को बचाने का, आपके पास उनके लिए कुछ संदेश है कि वो अपना काम और कैसे बेहतर कर सकती हैं, क्या काम जैसे आपके पूरे अनुभव में क्या चीजें काम आई हैं जिसने आपके इस पूरे मुहिम को सहारा दिया है, तो एनजीओस के लिए आपके पास कोई संदेश है? देखिए मैं जो आज तक को काम करके आई हूँ, पहले तो मैं गांव में कुछ भी नहीं थी, मैं गांव की घर की बहू थी, लेकिन मैं एक कदम आगे बढ़ाई, गांव के लोगों को एकजुट करने का काम किया, धरातल में काम किया, और मेरा जो उजड़ा हुआ जंगल को हरियाली बनाया, है ना। तो मैं सभी एनजीओ या संस्था को, सभी को मैं बोलना चाहूंगी, आप जो भी काम कर रहे हैं आप भी धरातल में काम कीजिए, धरातल में काम कीजिए, क्योंकि धरातल में अगर काम हम लोग नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे, तो आगे का जो पीढ़ी है, आगे का जो जेनरेशन है, वो हम लोग उसको हम लोग कैसे शिक्षा दे पाएंगे, कैसे समझा पाएंगे। तो जैसे आप एक संस्था है, आपका बहुत सारा लाइन में आप काम कर रहे हैं, आप कॉलेज खोले हैं, आप पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, आपने शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, आपने एक आपका खेती के लिए काम कर रहे हैं, मतलब जो भी आपने काम कर रहे हैं आप धरातल में काम कीजिए, जैसे कि लोगों को जागृत करने का काम कीजिए,
जहाँ लोग नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं जान रहे हैं, उसको समझाइए। समझेंगे जरूर, क्योंकि आज तक को मैंने बहुत लोगों को समझाया है और बहुत लोग समझ भी गए हैं। और आज का दिन में लोग काम कर रहे हैं, अपना खा के, अपना पी के, अपना सब कुछ करके, सरकार ने उनको तनख्वाह नहीं दे रहा, और मैं जो काम कर रही हूँ मुझे भी सरकार तनख्वाह नहीं नहीं दिया है, अपना स्तर से ही काम कर रही हूँ। तो बस मैं वही बोलूंगी संस्था को भी, जो भाई आप भी अपना जगह में मतलब धरातल में काम कीजिए। नहीं तो ऐसे बहुत सारा जो लोग है, बहुत सारा जो संस्था, बहुत सारा जो विभाग है, कागज कलम में ही मतलब बना दे रहे हैं और धरातल में काम नहीं कर रहे हैं। तो मैंने बहुत सारा ऐसे देखे हैं, है ना, तो इसलिए ये बात मैं बोल रही हूँ। जैसे कि आप देखिए, रास्ता का किनारे में हर साल पौधा लगा रहा है, लेकिन दूसरा साल रास्ता आ रहा है, रोड बन रहा है, उसको हटा दे रहा है, फिर खत्म हो गया, फिर लगाया, फिर खत्म हो गया। इसी तरह मेरा जो आपका सामने से मैंने कितना बार जो हम देखे, उसी रास्ता में पौधा लगाया, फिर मर गया, फिर दूसरा बार टेंडर किया, फिर पौधा लगाया, फिर मर गया। तो आप बताइए, सरकार का तो पैसा खर्चा हो रहा है, पौधा लगा रहे हैं और मर रहा है, फिर टेंडर ले रहे हैं, फिर लगा रहे हैं, फिर मर रहा है। तो सरकार का पैसा कैसा पैसा आप बोल के आप मतलब ऐसे काम करें, सरकार का नहीं तो आपका मेरा पैसा है। तो भाई अगर हमको हमारा बोलने का मतलब आप काम कीजिए, विकास कीजिए, काम कीजिए, लेकिन धरातल में काम कीजिए। आप जो काम करेंगे ना, वो काम देख मतलब देखे दुनिया, देखे जो ये जमुना टुडू काम किया है। मेरा बोलने का मतलब और समाज के लोगों के साथ मिलके काम, हाँ समाज के लोगों का साथ में मिलके काम कीजिए और हमारे धरातल में काम कीजिए। देखो हम सभी का तो समाज का साथ में ही काम करने का है, गांव में जाके लोगों का साथ में जुड़ना है, लोगों का साथ में बैठना है, और लोगों को समझाना है, जो भी काम हम करना चाहते और लोगों का बीच में हम लेके जाए, धरातल में मैं काम करूं। आने तो हम आपका पास से लेके आए और मैंने काम नहीं किया, बस हम राम दिए और कुछ काम नहीं किया। काम हो, अगर आप अच्छा काम कीजिएगा ना, तो आपके लिए तो आप अगर दूसरों के लिए अच्छा काम कीजिए तो आपके लिए भगवान अच्छा काम करेगा। हम लोग वही सोचते हैं ना, हम लोग तो आदिवासी समाज में यही सोचते हैं आप जिसके संरक्षण के लिए काम कर रही हैं वो फिर आपका संरक्षण करेंगे। जमुना जी, आपकी कहानी बहुत प्रेरित करती है, खास तौर से महिलाओं को। तो आपके जैसे बहुत सारी महिलाएं हैं जो वन संरक्षण के लिए दृढ़ निश्चय करके काम कर रही हैं, लेकिन उनकी कहानी भी आपकी ही तरह है कि कई सारे बलवान लोग जिनके पास पावर है और जो चाहते हैं जंगल काटना वो कर रहे हैं, और फिर ये महिलाएं शायद कहीं ना कहीं रुक गई हैं या फिर उस डर में हैं कि उनको तो कोई खतरा नहीं हो जाए, या उनके खिलाफ कैसे खड़े हों, अपने काम को कैसे जारी रखें। तो आप थोड़ा उन्हें उम्मीद देते हुए अगर कोई संदेश है आपके पास, कि उनको आप क्या बोलना चाहेंगी? देखिए, मैं उस महिलाओं के लिए तो इतना ही बोलना चाहूंगी, भगवान ने हम लोग को जन्म दिया है। हम लोग तो भगवान को ही बोलते हैं ना, जो भगवान ने हम लोग को जन्म दिया, पृथ्वी में भेजा है, और उन्होंने ही मतलब लिख के भी भेजा है, आप आज जन्म ले रहे हैं तो आप उस दिन आपको जाना है ऊपर। ये दो चीज कोई नहीं रुक सकता है, ना आप कर सकते, ना हम कर सकते, ना कोई कोई कर सकता है, कोई नहीं रुक सकता है। तो बस कुछ भी काम कीजिएगा ना, आप का मन का अंदर से मतलब दिल का अंदर से साहस करके आपको काम करना होगा, मतलब आपका मन में साहस रख के आपको काम करना होगा।
अगर आप डर जाइएगा तो पीछे हट जाइएगा तो काम नहीं कर पाइएगा। और जीना मरना वो तो ऊपर वाला का हाथ में है, वो जिस दिन चाहेगा उस दिन आपको तो लेके ही जाएगा। आप कुछ भी मतलब तो आप काम करने के लिए जा रहे हैं तो आप उसको काम पूरा कीजिए, पीछे नहीं चलिएगा, पीछे नहीं हटिएगा, आप आगे ही चलिएगा। क्योंकि अच्छा काम के लिए आपको मतलब क्या बोलेंगे, अच्छा काम अगर करते जाइएगा तो आपको हर टाइम आपको मतलब दुख तकलीफ ही सा मतलब मिलता है, लेकिन उस सबको आपको बर्दाश्त करना होगा। क्योंकि आपको तो हम मेरा घर का बारे में सुना है, मेरा काम का बारे में सुना है पहले भी, जो भाई मेरा साथ कितना कितना कुछ हुआ है, जान पे आ गई थी। हाँ, घर में डकैती करा दिया गया है, उसका बाद रेलवे स्टेशन में मार के लोहलुहान कर दिया गया है। अगर ऐसे अगर हम अगर डरती तो हम घर में मतलब घुस जाते, लेकिन हमने बस थोड़ा सा टाइम के लिए डरे, उसके बाद डर अपने आप हट गया और मैंने अपना काम जारी रखा। तो इसी तरह आपको भी काम करना होगा, आपका काम को जारी रखना है, आपको अच्छा काम करना है, किसी का गलत नहीं करना है। अच्छा काम कीजिए तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे, मेरा विश्वास है। और जमुना जी, इस पूरे मतलब पूरे विश्व में बात चल रही है क्लाइमेट चेंज की, हर कंपनियां बोल रही हैं क्लाइमेट चेंज पे काम करना है, सरकारें बोल रही हैं क्लाइमेट चेंज पे काम करना है, संस्थाएं बोल रही हैं क्लाइमेट चेंज पे काम करना है, आप इस विषय को कैसे देखती हैं? क्लाइमेट चेंज क्या है, इसके लिए क्या करना चाहिए, और जिसमें पर्यावरण का भी संरक्षण हो और हमारा समुदाय भी आगे बढ़े, तो आप इस क्लाइमेट चेंज के विषय को कैसे देखती हैं? मतलब बात हर कोई कर रहा है, लेकिन आपने क्योंकि जमीनी स्तर पे इतना काम किया है तो आप इस विषय को कैसे देखती हैं? कोई तो अभी आपको हम बोले, देखो बात तो हर कोई का मुंह में आता है, जो भाई हम अच्छा काम करें और पर्यावरण के लिए काम करें, कुछ और भी अच्छा काम करें, लेकिन मुंह से बोलने से नहीं होगा, मतलब उसको करके दिखाना होगा, करके दिखाना होगा आपको। हम बोल रही हूँ हम अमुक किए तो सुख किए, वहां पर अमुक किए हैं, लेकिन हम करते हैं कि नहीं करते आप तो नहीं देखे, लेकिन हमको अपना मन से करना होगा, करके दिखाना होगा, करके दिखाना होगा। अगर नहीं करके अगर बोलेंगे ही, हाँ बोलेंगे उस जगह में बोलेंगे जहां पर हमसे नहीं हो रहा आपसे होगा, आपको बताएंगे, आपको बोलेंगे मैडम आप उस जगह में ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, आप काम करिए ऐसे कीजिए, उस जगह में मेरा बोलने का शोभा देगा। ये जो आवाज है ये भी बहुत बड़ा काम है, वो बात है, सही बात है, लेकिन वैसे जगह में आपको बोलेंगे जहां आप काम कर रहे हैं। और अगर हम झूठ में ही बोलेंगे, बोलेंगे हम अमुक किया तो सुख किया और कुछ नहीं कर रहे हैं, ये गलत है। तो जमुना जी, आप इस क्लाइमेट चेंज के विषय को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे देखती हैं कि ये है क्लाइमेट चेंज और इसके लिए सरकारें, नागरिक संस्थाएं, कंपनियां क्या करना चाहिए उनको इसमें? देखिए आज का दिन में ना बहुत सारा संस्थाएं हैं, सरकार है, और चेंज करने का तो हम लोग बात करते हैं, लेकिन कहीं कहीं हम लोग फेल हो जाते हैं, जैसे चेंज हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। आप देखिए आपका जो दादा दादू परदादू जो थे, वो लोग कितना अच्छे थे, कितना खुश थे, और सब कुछ खुशी थे, सब कुछ मिलता था घर में, और जो भी मिलता था उसी में खुश थे। और आज का दिन में इतना होने का बावजूद भी मतलब खुश नहीं होते हैं,
हम लोग सोचते हैं, संस्था भी सोचता है बहुत कुछ, सरकार भी सोचता है, लेकिन कहीं कहीं ओलंग भी फेल हो जाता है, कहीं कहीं मतलब काम करने में फेल हो जाता है, कहीं कहीं बुद्धि में फेल हो जाता है, और कहीं कहीं मतलब काम करने के लिए भी फेल हो जाता है। मतलब हम लोग को सोचना होगा जो भाई हमको क्या करना चाहिए, हम कैसे काम करने से मतलब ठीक होगा, उसको दिमाग में लाना होगा जो कौन सा चीज करने से ठीक होगा। झारखंड राज्य में इतना इतना फैक्ट्री बन रहा है, इतना इतना मतलब प्रदूषण हो रहा है, विकास के नाम पर, चेंज के नाम पर, विकास चेंज के नाम पर हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं मतलब गलत हो रहा है। हमारा गांव घर में तो थोड़ा बहुत मतलब हम लोग को जो भी मिलता है हम लोग उसी में खुश रहते हैं, लेकिन टाउन में जो लोग रहते हैं उनका कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, फिर उनका साथ में दिक्कत भी ज्यादा होती है। तो देखिए इसमें सरकार को मतलब सोचना होगा हम कौन चीज कहां क्या करने से ठीक होगा।